फोन काम गया ले यार फोन काम ले यार ये सब ले काम नहीं। आप बताओ ये बात तो सही है आपको इसकी देख के हम मानवता बढ़ाए मानवता ज्यादा ना मानवता बढ़ते हम ये इनका तो खुद ही जो मैं कहा कि उन्हें मिली वही से इनका देखो ना अपना लगे दे रहे हैं भैया ऐसे हम ऐसे लिख देंगे अपन करा लेंगे कौन दिक्कत है हम लिख देंगे हम पर रुपये के सामने देख के अपन करा लेंगे हजार हजार जो है पैमाइश बनाएंगे इनके पास पैसा नहीं उनका पता नहीं करता है पैसा जो किस तरह लगा देंगे वह स्थिति है कि हाँ लेकिन इनका ये होता है जैसे कौन कुछ काम करेगा तो इनका तो हम जरूर देंगे। चलो आवाज आते हैं इनका फाइनल निकाल काम किया मैंने एक मकान आप बना ले दो आप खाली पान चलो शाम चलो कागज तो आप बनाओगे फिर जुम्मा बात बात थोड़ा ही भाई कुछ नहीं भाई अगर प्रधान चलेगा कागज बनाएगा अगर सामने नहीं नहीं कागज और ठीक भी देंगे आगे तो पूरी रिपोर्ट आई नहीं मैं उसके बाद भी उसके बाद हम बच्चा बैठे तो अलग बने कागज कागज भले देंगे संतोष जी कोई दिक्कत नहीं। जैसे उनका बाकी अपन वहाँ बैंक मिलकर करा जानते जान कुछ काम ही 15-20 हजार वाले काम है सबका मालूम कि बेचे हैं 10 हजार मतलब वाले बैठे और आप उनका जो व्यवस्था करा दें कागज वाले कागज भिजवा देंगे सब अपने भूल करेंगे जो काम इधर भूल गए। सर आप अपना बता दिए और मुझे बता दी कि वाली इस लेके आए जी सर की लोगों की जरूरत की कंडीशन है यार हम भाई हम बीच के नहीं ये तो उन्होंने बनाई है वही तो दे रहे हैं और कितना बड़ा काम कर रहे हैं अभी राजा बाबा बन के अपना काम करिए चलो हमें बात हुई कोई चीज नहीं ले ली मत इंडिया ना होते तो बता देना इंसान है राम तो भाई नहीं है सही है भाई है बढ़िया तो है ठीक है दिक्कत हो दरअसल इनके मनोज है ना मनोज पहली किस्त आई इनके दोनों किस्त की पैसा लगा दी एक 70 हजार देना है एक 40 हजार 1,20,000 हुई 1,10,000 हुई 10 हजार हो बचा तो पैसा भी जमा करिए आए इनका 10 वाला में टूटा इनका दिक्कत किया था अगर मनोज को मान ले लेना पड़ा चलो ठीक है दिमाग लगा रहे ना है ना आई वैसे बाकी जो है हम इनका पेपर आज कंप्लीट करके दे सके थे काम लोग तस्वीर भी करा देवे है ना अच्छा लगे का करें तस्वीर की बात ही जो आप ये इसका हम बात हमारी जिम्मेदारी वाला है हजार गाना देखते हैं बैठे आने तो मनोज के तो वहाँ कोई नहीं चला मुझे ना थोड़ा समय दो हमको मुझे भेज सकते हैं ठीक है ना मुझे भेज दो अन्ना ये चला अन्ना इधर मैंने इसका बोला हम आपको फोन कर लेंगे ना पहले अलग बात हो जाएगी अच्छा अच्छा चलो ठीक चलो फिर तैयार हो जाए आज हाँ ऐसे कोशिश करो हां 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 कौन आप जो से कोनो काम करे तो हां कह लियो और हम आपको मान लेते हुए तो कहीं बैठ ठीक है ना फिर हम और राजे ताजी आप राजे ताजी 2:30 तक वे मुझे 2:30 बजे के बाद ही नहीं गए ठीक है ना चलो प्रधान जी का बुला ले क्योंकि मोहन तो सकते हैं प्रधान जी ठीक है को कहाँ लगाओगे प्रधान कहीं नहीं नहीं सर काम लगवाओ आज 15-20 दिन हो गए 15-20 दिन हो गए सर बंद पड़ा दूसरे दवारे सब सामान लग कहा उठाओ हम कहाँ लगाई जाए भला बताओ हमका खाली को बता दो हाँ। कि तुमका प्रधान कहीं को कहा अब एक पुलिस बुलाए उसका गिरवा दे चलो ठीक है 1 मिनट न लगे हम अब गिरवा दे ठीक सर गिरवा दियो गिरवा देना हाँ गिरवा दियो अच्छा ठीक है लगा रहा तुम अब ठीक। रायबरेली से उस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई जब रायबरेली के हरचनपुर थाना क्षेत्र के दिघौरा ग्राम सभा के सोमऊ में लेखपाल राजेंद्र सिंह की घूसखोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है। पात्रों का नाम हटाने की कवायद में लगे राजेंद्र सिंह अब घूस की बात कर रहे हैं। एक ऐसा ही ऑडियो भी सामने आया जिसमें लेखपाल राजेंद्र सिंह 15 से 20 हजार की एवज में पात्रों को घर बनाने की अनुमति देने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिनका कब्जा लगभग 3 पीढ़ियों से था उनका मकान टूटने के बाद अब उस जगह पर उस जमीन को तालाब घोषित करने पर आमादा हो चुके हैं लेखपाल राजेंद्र सिंह। वहीं पीड़ित परिवार अब लगातार अधिकारियों की चौखट पर पैर व एड़ियां घिसने को मजबूर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा पीड़ितों ने व उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि आखिरकार राजेंद्र सिंह लेखपाल किस प्रकार से घूस की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हनुमान। कहाँ रहते हैं? दिघौरा सोमो में। थाना कौन सा लगता है? अर्जुनपुर। तहसील रावली। क्या दिक्कत क्या आ गई आपको? दिक्कत ये है कि हमारे वहाँ से पुश्तैनी जमीन थी, मकान था बना हुआ था, उस मकान को गिरा के हम लोग बनवा रहे थे। वहाँ पे लेखपाल जाके रोक लगा रहा है, वो वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहा, राजनीति कर रहा है, विपक्षी लोगों से मिलके वहाँ रोक लगा रहा है। उसके बाद क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम है राजेंद्र कुमार। लगभग कितने सालों से आपका घर वहाँ पे था? वहाँ से मेरी 3 पीढ़ी बीत चुकी है, चौथी वहाँ घर बनाने जा रही है। क्या सिर्फ आपके ही घर के ऊपर चल रहा है या और लोगों के घर के ऊपर भी? नहीं, वहाँ पे मेरा 2 घर है, दोनों पे रोक लगा दिए है, मेरा ही घर है। क्या कारण बताकर? कारण ये बता रहे हैं वहाँ बंजर भूमि है, और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहा है कि 15-20 हजार रुपये पड़ेंगे इसके बनाने के लिए। हमने बात किया, वो लेखपाल मांगा है, मैंने उससे बात किया तो कह रहा 2,500-3,000 तो हमारी पैमाइश नहीं होती है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? दिघौरा। थाना कौन सा? हरचनपुर। क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत ये है कि हमको घर बनाने नहीं देते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दूसरे के यहाँ सामान रखे हैं, और 2-3 पीढ़ी बीत गई है, उसमें जो पहले रहते थे सब लोग अब गिरा के बना रहे तो बनाने नहीं देते। कौन नहीं बनाने देता? लेखपाल रोक लगा रहा है। क्या कहते हैं? 10-15 हजार मांग रहा है। हम गरीब लोग कहाँ से पैसा दें? अगर इनको देना होता तो हमको कॉलोनी क्यों आती?